A very good morning to all students. Students, today we are taking our notes, means fair notes. आप सभी को doubt था कि हमने अभी तक previous lectures में जो भी पढ़ाई की है कि आपको वो fair notebook में write down करना है या नहीं. तो वो तो बच्चे सिर्फ आपकी understanding के लिए था कि आप concept को समझ सके. Today I am going to provide you fair notes regarding your topics, right? So you all have to make a fair note register. आपको बच्चे notebook नहीं बनानी है, register prefer करना है. And if आपके पास available हो सके तो आपको उस पर red color से cover करना है. अगर अभी आपके पास available ना हो या आपके आसपास में भी available ना हो तो आप अभी quit कर सकते हो, कोई compulsory नहीं है. But whenever it is possible आप उस पर red color का cover करेंगे, right? तो हम अपना आगे से start आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हमारे ये चैप्टर फर्स्ट है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे, दैट इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन. देन आफ्टर द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कौन सा आपका वो कंप्यूटर है. देन आफ्टर हम कंप्यूटर की डिफाइन करेंगे कि computer is an electronic device used to store and process information to give meaningful output. इसी तरीके से हम आगे करेंगे. Then after in the हम यहाँ पे एक note point बना के star करके बताएंगे that Charles Babbage was considered to be father of computer. हम किसको consider करते हैं, आगे तो और भी computer बहुत सारे उसने बनाए थे, लेकिन जो first था father वो है Charles Babbage, जिसने computer को इन्वेंट किया था. कैसे, इन्होंने एनालिटिक इंजन जो कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है 1837 में इन्वेंट किया था. उसके बाद से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है. बच्चे अगर आपको अपनी तरफ से इसमें कुछ और एड ऑन करने हैं नोट पॉइंट तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इंटरनेट का या कोई बुक यूज कर रहे हैं तो बस ये पॉइंट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए. देन आफ्टर जो भी आप फ्लो डायग्राम या डायग्राम बनाएंगे बच्चे, वो पेंसिल स्केल का यूज करके बनाएंगे. फिर हमें एक फ्लो डायग्राम बनाना है, फ्लो डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कोई भी रो इनपुट देते हैं तो वो आपकी सीपीयू के पास आती है. सीपीयू में आपका ALU, CU और MU है. देन आफ्टर वहां से आपको एक मीनिंगफुल आउटपुट मिलती है. यहाँ मैंने आपको लिख रखा है रो इनपुट इज गिवन टू कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइसेज. देन डेटा या जो इनपुट हमने दी है वो जो इज प्रोसेस बाय सीपीयू. आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस होने के बाद जो हमें मीनिंगफुल आउटपुट मिलती है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस से मिलती है. यहाँ कुछ जो हमने ऊपर शॉर्ट फॉर्म्स यूज की थी ALU, CU, MU, मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म प्रिफर कर रखी है. बच्चे ALU में हमेशा याद रखना ये अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट होती है, ना कि अर्थमैटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. इट इज अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये आपके कुछ नोट्स हैं. अब हम आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. फिर हमने जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ा था बच्चे वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, राइट. बच्चे ये क्वेश्चन यहाँ पे दो टाइप से आ सकता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा था. अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के देना चाहे वो ये हो सकता है कि व्हाई वी प्रीफर कंप्यूटर रादर देन अ ह्यूमन बीइंग, कि हम कोई काम करवाना है, हमारे पास दो ऑप्शन, एक ह्यूमन बीइंग और एक दूसरा हमारे पास कंप्यूटर है, तो हम कंप्यूटर को क्यों प्रीफर करते हैं. तो उसके कुछ पॉइंट्स है, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज स्पीड, कि कंप्यूटर जो भी है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन होते हैं जितने भी, उनको फास्टर सोल्व करता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, दैट इज स्पीड. उसके बाद आता है हमारे पास स्टोरेज, कि हम स्टोरेज के उस बेस पे भी प्रिफर करते हैं कि जो कंप्यूटर है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है विद अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, कि उसका अपना एक खुद का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में वो उसको स्टोर करता है. देन आफ्टर वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या है बच्चे, कि ये हमारा कंप्यूटर जो है बहुत सारे टास्क को करता है, दैट इज मल्टीपल डूअर. और इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है दैट इट कैन सोल्व मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन, यूज फॉर प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल,
ओपनिंग वेबसाइट, क्रिएटिंग एनिमेशन एंड मैनी मोर। एक ह्यूमन बीइंग तो अपने आप से ये सारे काम नहीं कर सकता, या हम एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कंप्यूटर से ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। देन आफ्टर रिलायबिलिटी, इट इन दिस कि ये मल्टीपल टास्क करता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, राइट। देन आफ्टर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी है कि एक्यूरेसी वर्ड से डिफाइन है, मीन्स एक्यूरेट, जो कि कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक नहीं करता, हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है इफ करेक्ट इनपुट इज गिवन। बच्चे आप हमें ये लाइन जरूर ऐड करेंगे कि अगर हमने इनपुट करेक्ट दी है तो वो हमें आउटपुट भी करेक्ट देगा। इसके साथ साथ बच्चे हम यहाँ पर हर चीज में कुछ डिसएडवांटेज होती है, दैट इज लिमिटेशंस। तो कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशन है, दैट इज जीरो आईक्यू, ये खुद से कुछ सोच समझ नहीं सकता, हमें इसको कमांड करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पावर इसकी जीरो है। सेकंड, नेवर लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, अगर इसने पास्ट में किसी क्वेश्चन में कोई गलती की थी, अगर आप वही सेम क्वेश्चन इसको दोगे तो यही वही गलती को दोबारा रिपीट करेगा, अंटिल एंड अनलेस, जब तक हम अपनी इनपुट को करेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स ये अपनी पास्ट की मिस्टेक से कुछ भी नहीं समझता। अगर हम एक एग्जाम्पल देखे चले समझने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग, लाइक दैट अगर आप दौड़ लगा रहे हैं बच्चे, आप एक जगह कहीं पर पत्थर है या गड्ढे हैं, आप डिग है, आपका वहां पे पैर स्टक हुआ और आप गिर गए, नेक्स्ट टाइम आप जब भी वहां से जाओगे आप उस जगह से बच के चलोगे, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज शॉर्ट सर्किट हुआ है आप कहीं पर वायर्स में, तो वहां पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो करप्ट होगा, अगली बार दोबारा अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे कंप्यूटर में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो खुद को शट डाउन कर ले, तो ये अपनी पास्ट की मिस्टेक से भी कुछ नहीं समझता। ये दो पॉइंट है कि हमें अपने लिमिटेशंस बताने होते हैं, बट जीरो आईक्यू एंड नेवर लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक जो हमारे लिमिटेशंस है, इनके ऊपर आगे फर्दर प्रोसेस चल रहा है कि जिसपे हमारे नए जनरेशंस के कंप्यूटर है उन पे वर्क किया जा रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने की कोशिश की जा रही है कि उनकी ये जो डिसएडवांटेज है ये रिमूव हो जाए, लाइक अ रोबोट, रोबोट में है इम्प्लीमेंट हुई है 50%, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे ये जो पॉइंट है ये आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हमारे कंप्यूटर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट। तो बच्चे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फ्लो डायग्राम हम एक साथ नहीं बना सकते, वो काफी लेंथी हो जाएगा, तो मैं आज की वीडियो में आपको हार्डवेयर के पार्ट्स तक शो कर रही हूँ। हार्डवेयर के पार्ट आपको इस तरीके से कुछ बनाने बच्चे, हार्डवेयर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, वन इज योर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट डिवाइस के बच्चे मैंने आगे एग्जाम्पल्स प्रीफर कराए आपको कि कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। देन आफ्टर प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बच्चे आपको एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड किया है। देन आफ्टर स्टोरेज, स्टोरेज टू टाइप्स में डिवाइड होता है, इंटरनल, इंटरनल को हम दोबारा और नाम से बोल सकते हैं प्राइमरी। देन आफ्टर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी। इंटरनल मेमोरी पार्ट के फोर पार्ट होते हैं, रैम, रोम, कैशे एंड हार्ड डिस्क, इट इज कैशे। एक्सटर्नल में बच्चे आपके डीवीडी, सीडी और पेन ड्राइव, आप और भी कुछ प्रिफर कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क जो बच्चे मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये होमवर्क है आपका कि मुझे आप सभी के नोटबुक्स में जितने भी ये डिवाइसेस के एग्जांपल मैंने पेंसिल से लिखे हैं बच्चे, आपको इनको वन और टू लाइंस में एक्सप्लेन भी करना है ऑन योर सेल्फ। दिस इज योर होमवर्क, यू कैन यूज इंटरनेट कनेक्शन फॉर दिस, एंड सम ऑफ दीज आर वेरी इजी, आप खुद से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, राइट, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, ये कुछ इजी भी हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जिनका आपने नहीं सुना हुआ, तो आप उनके लिए मैं दोबारा बताऊंगी टुमारो मॉर्निंग, मैं जो टुमारो वीडियो लेक्चर डिलीवर करूंगी इसमें, बट ये आपको खुद से भी करने की आपको कोशिश करनी है। सो दिस इज योर होमवर्क कि जितने भी पेंसिल से मैंने एग्जाम्पल लिखे आप इनको खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके तो मैं आपको एक बार दोबारा से नोट्स दिखा देती हूँ, आपको ये नोटबुक में प्रीफर करना है।
Okay, students, that's all for today. Okay, bye, take care.